दोस्तों, आज अगर भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी कोई देश बना हुआ है तो वो पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है, जिसने पिछले कुछ वक्त में भारत की तरफ अपना रवैया और भी ज्यादा आक्रामक कर लिया है। फिर चाहे वो पीओके के रास्ते में अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना हो, या फिर बार बार भारत की सीमा में घुसकर हमारे सिपाहियों को शहीद करना। चीन के इस आक्रामक रवैये को देखते हुए भी हमें मीडिया में बहुत कम ही पता चल पाता है कि इस चैलेंज से निपटने के लिए भारत सरकार की क्या स्ट्रेटजी है और क्या वाकई चीन को रोक पाना संभव भी है। इन्हीं सब सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में तलाशेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चीन के साथ जो सबसे बड़ा इंसिडेंट पिछले कुछ सालों में देखा गया है वो है मई 2020 का गलवान इंसिडेंट, जब भारत और चीन के सिपाहियों के बीच में टकराव के बाद हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। फिर 28 महीने तक दोनों ही देशों के बीच तनाव की स्थिति रही और इस बीच चीन ने पैरालंपिक्स में पैरालंपिक टॉर्च को एक ऐसे सिपाही के हाथ में दिया जो इसी गलवान क्लैश में चोटिल हो गया था। अब जब शी जिनपिंग ने तीसरी बार चीन की कमान संभाल कर अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा लिया है, ऐसे में ये बात तय है कि चीन यहीं पर नहीं रुकेगा। भारत की तरफ से भी गलवान क्लैश के बाद चीन के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की मांग उठी थी और देश भर में प्रदर्शन हुआ था। लेकिन सच्चाई ये है कि जिन टीवी चैनल्स पर चीन को बॉयकॉट करने की बात चल रही थी, वही टीवी चैनल साथ में चीन कंपनीज के एड्स भी दिखा रहे थे। अभी दिवाली हाल ही में गुजरी है और यहाँ पर भी चाहे वो घर को सजाने के लिए लड़ियाँ लेनी हो या फिर नए स्मार्टफोन्स और बाकी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इनमें से ज्यादातर मेड इन चाइना ही थे। तो बॉयकॉट चाइना का ट्रेंड हमें सोशल मीडिया पर दिखता तो है, लेकिन असल जिंदगी में बहुत ही कम लोग हैं जो इसे फॉलो कर रहे हैं। इसमें लोगों की भी गलती नहीं है, हमें ये बात माननी ही होगी कि चीन में बनने वाले प्रोडक्ट्स अपने प्राइस के मामले में ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं। कोई भी इंसान सेम चीज ज्यादा दाम पर क्यों खरीदना चाहेगा, और एक बार वो इन्हें खरीद भी ले तो कब तक अपनी जेब को देश के नाम पर यूं ही ढीला करता रहेगा। सिर्फ आम नागरिकों के लिए चीन का बॉयकॉट करना काफी नहीं है, चीन के प्रोडक्ट्स के साथ एक परेशानी ये भी है कि अगर आप उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर भी दें तब भी भारतीय कंपनीज अपने पार्ट्स और इक्विपमेंट्स के लिए उन्हीं पर निर्भर है। भारत में 70% इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, 70% फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और 40% लेदर गुड्स अभी भी चीन से ही आते हैं। चीन से आने वाले फर्टिलाइजर्स भी मार्केट में मिलने वाले फर्टिलाइजर से 76% ज्यादा सस्ते हैं। चीन के इलेक्ट्रिकल सर्किट 23% ज्यादा सस्ते हैं और 5G के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंट्स भी चीन से अगर आप लाते हैं तो वो इंडियन ऑल्टरनेटिव में 20% कम दाम पर इन कंपनीज को मिल जाएंगे। और इन सभी चीजों को रातों रात बदलना नामुमकिन नहीं है। ये सब यही दर्शाता है कि सिर्फ भारत के लोग मिलकर चीन को बॉयकॉट नहीं कर सकते। जब तक चीन के पास ये पैसा जाता रहेगा तब तक वो बॉर्डर पर हमसे भिड़ने के लिए मौके ढूंढते रहेंगे। यानी कि हमारे लिए ये जरूरी है कि इस एक मुहिम में सरकार भी अपना रोल निभाए। तो अब जरूरी सवाल ये है कि सरकार इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। भारत सरकार ने चीन से निपटने के लिए एक इंटरेस्टिंग पॉलिसी का सहारा लिया है जिसे China+1 पॉलिसी भी कहा जा रहा है। तो क्या है इसमें? इस पैंडेमिक के वक्त जितने भी देश चीन पर अपने सामान के लिए डिपेंडेंट थे उन्हें अचानक से एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि चीन अपनी लॉकडाउन पॉलिसी के कारण वक्त पर सामान डिलीवर नहीं कर पाया। अभी भी चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के कारण वो एक भी केस आने पर पूरे शहर को ही लॉकडाउन में डाल रहे हैं, जिसका मतलब है कि अभी भी दुनिया भर के कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो रही है और सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हैं। इसी आपदा को अवसर में बदलते हुए भारत ने US और EU समेत 18 ग्लोबल इकोनॉमिक्स के साथ ये China+1 पॉलिसी पर पार्टनरशिप की है, जो कहती है कि सभी देशों को अगर चीन से अपनी डिपेंडेंस कम करनी है तो उन्हें चीन के अलावा एक दूसरे देश में भी अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी होगी। और कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि ये देश भारत है। हमने देखा था कि चीन से जब कंपनीज ने जाना शुरू किया तो वो भारत आने के बजाय कंबोडिया या वियतनाम जैसे देशों में चले गए थे, और इसी को भारत अब बदलने पर लगा हुआ है। यानी China+1 पॉलिसी में हम चीन से नहीं बल्कि वियतनाम, मलेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों से कम्पीट कर रहे हैं, ताकि भारत चीन का एक अल्टरनेटिव बन जाए। इसके लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार है PLI या प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। इस स्कीम के तहत भारत सरकार विदेशी कंपनियों को अपना बिजनेस सेटअप करने में न सिर्फ मदद करेगी बल्कि उन्हें इसके लिए कई सारे रिवॉर्ड्स भी देगी। अगर एग्जांपल के लिए देखा जाए तो एक कंपनी को अगर भारत में अपना बिजनेस सेटअप करना है तो उसे यहाँ जमीन खरीदनी पड़ेगी,
इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करने होंगे और फिर कुछ वक्त तक यहाँ के मार्केट में रहना होगा ताकि वो और बड़े इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर कर सके। लेकिन इसके लिए उन्हें हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और इस इन्वेस्टमेंट के डूबने का रिस्क हमेशा ही बना रहेगा। इसी परेशानी को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने ऐलान किया है कि वो उन्हें रिवॉर्ड करना शुरू करेगी। जैसे कि अगर एप्पल भारत में 8000 करोड़ के आईफोन्स की प्रोडक्शन करता है तो उन्हें 4-6% तक का कैशबैक दिया जाएगा। इसके अलावा इक्विपमेंट्स पर लगाई जाने वाली इंपोर्ट ड्यूटीज में कमी करने से लेकर उन्हें पूरी तरह खत्म कर देने की भी योजनाएं आगे बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा ऐसी भी योजनाएं हैं कि नई कंपनीज को पहले 2-3 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से मार्केट में अपने पैर जमा पाए। वेस्टर्न कंट्रीज की तुलना में उन्हें भारत में चीप लेबर भी मिल जाएगा जो उनकी कॉस्ट को और कम कर देगी और इन कंपनीज के लिए भारत एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में आगे आने लगेगा। इससे भारत को भी कई फायदे हैं। जैसे पहला फायदा तो सीधा सीधा देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी से ही जुड़ा है। एप्पल ने जब से अपनी प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट की है तब से उन्होंने 6000 से ज्यादा जॉब्स जनरेट की हैं। साथ ही एप्पल अब 47000 करोड़ के आईफोन्स भारत में बनाने वाला है। इससे भारत को ये फायदा भी है कि इस कंपनी के प्रॉफिट्स भारत में ही रहेंगे जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। एप्पल जो आईफोन्स भारत में बनाने वाला है उनमें से 60% एक्सपोर्ट किए जाएंगे यानी उनकी पेमेंट हमें डॉलर्स में मिलेगी। इससे भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी मजबूत होगा और डॉलर के मुकाबले गिरते हुए रुपए को भी संभालने का मौका मिलेगा। एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज को देखकर धीरे धीरे बाकी कंपनीज के लिए भारत में घुसने का रास्ता आसान हो जाएगा और वो भी इसी मॉडल को फॉलो करना शुरू कर देंगे। भारत सरकार ने अभी ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स समेत 10 ऐसी इंडस्ट्रीज में इस स्कीम को लॉन्च किया है और वो इन्हीं पर अभी ध्यान दे रहे हैं। इस मॉडल के काफी फायदे हैं। पहला तो ये है कि इससे खुद भारत की डिपेंडेंस चीन पर कम हो जाएगी क्योंकि अब ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स यहीं पर मैन्युफैक्चर होने लग जाएंगे। इससे अगर आने वाले समय में हमें चीन को पूरी तरह बॉयकॉट करना भी हो तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी और हम चीन के साथ भी वैसा ही रवैया अपना सकते हैं जो हम आज पाकिस्तान के साथ अपनाते हैं। भारत जैसा मार्केट जब चीन से छिन जाएगा तो खुद उसकी इकोनॉमी पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे भारत के पास कई मामलों में एक बेहतर नेगोशिएटिंग पावर रहेगी। भारत के अंदर इन कंपनीज के आने के कारण वर्ल्ड स्टेज पर भी भारत की पावर काफी बढ़ जाएगी और कई कंट्रीज फिर भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहेगी। इसका ताजा एग्जांपल ब्रिटेन है जो भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर रहा है लेकिन अभी तक ये इसलिए साइन नहीं हुआ है क्योंकि इमिग्रेशन पर वो अभी काफी सख्त है क्योंकि भारत के पास पावर है तो इसलिए भारत ने अभी तक इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं लिया है और वो ब्रिटेन से इमिग्रेशन पर अपना स्टैंड नर्म करने के लिए कह रहा है। आज से 50 साल पहले ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि भारत इस तरह की डिमांड्स यूके जैसे देश के सामने रखेगा और यूके को इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। इस तरह की सॉफ्ट पावर तभी मिलती है जब आप अपने मार्केट और लेबर फोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं और यही चीज अब हम बाकी देशों के साथ भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, भारत सरकार इन कदमों से चीन को सबक सिखा पाएगी और सरकार इस मामले में और क्या क्या कर सकती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।